हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा इस सीरीज में हम अगला चैप्टर करने वाले हैं जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो इस चैप्टर में सारी इसकी ब्रीफिंग प्लस इसके एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक एसएससी का हमारा जो चैनल है एसएससी के रिगार्डिंग उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है तो जस्ट चेकआउट द प्लेलिस्ट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्रीफिंग की। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसमें ब्रीफिंग डाली है, जैसे कौन कौन से ग्लैंड्स यानी कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं हमारे पास। सॉरी या तो कौन कौन सी ग्रंथियां हमारे पास हैं, इसी के साथ वो क्या सिक्रेट करते हैं, क्या बाहर निकालते हैं और उसमें कौन सा केमिकल या एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रही हूँ आपके सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी ग्रंथियों की, वो सलाइवा यानी लार निकालती है जिसमें होता है सलाइवरी एमाइलेज। इसी के साथ स्टमक की अगर मैं बात करूं, अग्नाशय की अगर मैं बात करूं, अमाशय की सॉरी, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, गैस्ट्रिक रस निकालता है जिसमें एचसीएल एसिड होता है। ये कोई एंजाइम नहीं है, केमिकल है। म्यूकस चिपचिपा लिक्विड होता है जिससे कि एसिड से वो अपने आप को बचा सके। और पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। लीवर की बात करूं तो अपने अंदर से बाइल जूस निकालता है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है, अच्छा ग्लैंड और ऑर्गन में क्या फर्क है। ऑर्गन मिलता है टिश्यू से, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू होंगे, बहुत सारे ऊतक होंगे, वो एक अंग बनाएंगे। ग्रंथि का में क्या होता है, इसमें एक टिश्यू जो कहीं कहीं से फोल्ड होना शुरू हो गया और जहां से भी फोल्ड होता है वहां से कुछ केमिकल निकलने लग जाता है तो उसको बोलते हैं एक ग्लैंड यानी ग्रंथि। पेनक्रियाज, अग्नाशय पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, पेनक्रियाटिक रस निकालता है। इसमें तीन चीजें होती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी जो हमारी छोटी आंत होती है इंटेस्टाइनल जूस निकलता है इसके अंदर। इसी के साथ इसके अंदर होती है विली, छोटे छोटे बाल बाल जैसे होते हैं, विली होती है। और विली का क्या काम होता है, विली क्यों जरूरी है, विली जरूरी है ताकि कम टाइम लगे एक एब्जॉर्प्शन के, फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाए खाने का, खाना जो है जो डाइजेस्टेड फूड है बचा हुआ खाना वो ब्लड में जल्दी घुल जाए, वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। बात करते हैं किस एंजाइम के क्या फंक्शन है। जैसे सबसे पहला है सलाइवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा ग्रंथि निकालती है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड निकालती है ये स्टार्च को शुगर में जो है कन्वर्ट करेगा। जहां भी एमाइलेज आएगा ना वहां यही होगा, जैसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज देख लो वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। पेप्सिन की बात करूं, देखो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है, ट्रिप्सिन भी तोड़ता है, पर पेप्सिन कहता है कि मैं तो तभी काम करूंगा जब मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, एचसीएल के प्रेजेंस में काम करता है। लाइपेज की बात करूं तो देखो फैट भी आ गया, स्टार्च, देखो फैट भी आ गया, स्टार्च भी आ गया और प्रोटीन भी आ गया, है ना। प्रोटीन को कौन कौन डाइजेस्ट कर रहा था, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, और स्टार्च को एमाइलेज वाले डाइजेस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं फैट्स यानी वसा की, तो फैट इतने बड़े होते हैं इनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, तो पहले इनको तोड़ा जाता है। वो कौन करता है, बाइल जूस, बाइल जूस इसको तोड़ दे, इमल्सीफाई कर दे। उसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम, वो इस टूटे हुए फैट के टुकड़ों को पूरा डाइजेस्ट कर देगा, सिंपल। चलिए बात करते हैं रिमिन, रिमिन क्या होता है, ये आप कह सकते हो जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, जो कैटल हर्बीवोर्स होते हैं जो घास खाते हैं, उनके पेट में, उनके अमाशय में सबसे ऊपर वाला जो चैम्बर है, सबसे ऊपर वाला जो एक कक्ष है, कक्षों में डिवाइड होता है छोटा सा जो एरिया है उसको आप बोलते हो रूमेन। ये क्यों जरूरी होता है, घास वगैरह में सेल्यूलोस होता है, रूमेन होता है जिसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो ये बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है, प्रोटोजोआ मतलब ये बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है जिससे कि जो सेल्यूलोस होता है खाने में, आपको पता है फाइबर बनता है इससे, हमें आप कह सकते हो बस वेस्ट को बाहर निकालने की वो शक्ति देता है। तो सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते इतना, हम सेलुलोज जो डाइजेस्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा। तो हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा बेटर चीजों को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लगभग
सात से 7.5 मीटर के बीच की होती है, तो हमारे यहाँ छोटी है वो, फिर भी हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हर्बीवोर्स के पास उसी टाइम पे शाकाहारियों के पास सब बहुत बड़ी छोटी आंत होती है, वो क्यों, क्योंकि उन वो खाते घास है, सेलुलोज ही खाते हैं, और उसको डाइजेस्ट होने में बहुत सारा समय लगता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज, लाइपेज का काम की पहचान करनी है। तो लाइपेज क्या कर रहा था, फैट को, जो टूटा हुआ फैट को है उसको तोड़ रहा था, ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। इनमें से लीवर के लिए कौन सी बात सच नहीं है, इट इज सिचुएटेड ऑन द अपर लेफ्ट पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड, यही सही नहीं है। देखो ये आपका जो पेट है, ये जो जा रहा है, ये इसके पास इधर होता है लीवर, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन डायग्राम ड्रॉ भी कर रहे हो ना, तो ये कौन सी साइड आ गई, ये राइट साइड आ गई, तो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ध्यान रखेंगे। बाकी बाइल जूस निकालता है, जो गॉल ब्लेडर, पित्त की थैली में ये स्टोर होता है, बहुत बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। लीवर ग्लैंड क्या निकालता है, जो कि गॉल ब्लेडर, पित्त की थैली में संग्रहित होता है, बाइल जूस। ह्यूमंस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च वगैरह, वो उसकी डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाती है, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड ही पड़ा था, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, हमारे मुंह में, और मुंह की कैविटी को, मुंह वाले एरिया को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है। इन रिमिनेंट्स लाइक कैटल, मवेशियों में, जैसे जुगाली करने वाले पशुओं में, जो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकता है। र्यूमेन, र्यूमेन क्या है, पहला चैम्बर है स्टमक का, ठीक है, पहला चैम्बर है स्टमक का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ सिंगल ओपनिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड एन एनस, इनमें से कौन से जानवरों का पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होती है, उसी से वो माउथ माउथ का काम करते हैं अपने, उसी से वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, ये होते हैं फ्लैटी हेलमेंट्स, जो क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच फूड रिक्वायर्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड, कौन से खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत लंबी छोटी आंत की जरूरत होती है, ग्रास, क्योंकि ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कैल्शियम का काम नहीं है, बेसिकली कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी होता है, स्ट्रेंथ हमको देता है, ब्लड क्लोटिंग में भी काम करता है, क्योंकि विटामिन के बनाने में हेल्प करता है, तो ये ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी भी तरीके से मदद नहीं करता कैल्शियम, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ रखा है, आई डोंट थिंक आपको कहीं भी कैल्शियम का जिक्र आया होगा, बाकी बोन्स और टीथ और मसल्स से भी कनेक्टेड है, स्ट्रेंथ देने से कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू रीजनरेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विद गुड माइक्रोब्स, देखो कुछ केमिकल्स या कुछ चीजें मार्केट में ऐसी आने लगी हैं जिनसे हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हार्मफुल चीजों को खत्म करने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या है, आपने सुना होगा प्रोबायोटिक्स, दूध भी आने लगा, इसके अलावा दही भी प्रोबायोटिक्स की आने लगी, कर्ड, तो ये क्या है, प्रोबायोटिक्स है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया बॉडी में डेवलप होते हैं। वेयर आर विली प्रेजेंट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मानव आहार नली में विली कहाँ मौजूद होते हैं, आपको पता है कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन ह्यूमन बींग्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है, और कितने मीटर लगभग लंबी होती है, अभी बताया मैंने 7 से 7.5 मीटर। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये क्या होता है, मतलब अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है, देखो बेसिकली रिकमेंडेड मतलब ये है कि हमको क्या रिकमेंडेशन हमें मिलेगी, तो हमें क्या मिलेगी कि मिनिमम इतनी तो आपको जरूरत है ही है, ये तो लेनी पड़ेगी, प्लस ये और लो ताकि आपकी जो सेफ्टी है, इम्यून सिस्टम है, वो सब भी स्ट्रांग हो जाए, तो इसका मतलब होता है रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता है, प्लस सुरक्षा का मार्जिन, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी लर्न कर लेना, रिकमेंडेटरी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय जीआई ट्रैक्ट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जठरांत्र पंत के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, वो एनर्जी भी हमें नहीं देता, बस वो मदद करता है कि वेस्ट चीज बाहर चली जाए। अभी मैंने आपको बताया था फाइबर, सेलुलोज जो है वो फाइबर बनाने में मदद करता है, तो फाइबर इज द वन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आर बॉडी आर कैरिड आउट बाय, जो मेटाबॉलिक चाहे आप चाहे प्रतिक्रियाएं होती है वो कौन करता है, प्रोटीन, क्योंकि उससे एनर्जी हमको मिलती है।
कौन सा एक फ्लूड है, एक तरल है जो कि नई नई जो माँ बनी होती है वो अपनी बॉडी से निकालती है, जिससे मतलब वो मिल्क में उनके निकलता है जो बॉडी में जाएगा जब बेबी के, तो उनका इम्यून सिस्टम यानी उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो ये होता है कोलेस्ट्रम, ये ध्यान से याद करेंगे। बाकी तीन क्या है चलिए ये पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबम की। सीबम क्या है, जो भी हमारे आप कह सकते हो जो भी हमारी बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड्स हैं यानी जो वसा में ग्रंथियां हैं, जो फैट जहाँ पे होती है वहां से निकलता है सीबम। सिनोविया क्या है, बेसिकली एक वाइट कलर का फ्लूड है जो बिल्कुल एग का जो व्हाइट होता है ना, अंडे का जो व्हाइट पोर्शन है उसको बिल्कुल दिखने में उसकी तरह होता है, और ये कहाँ से निकलता है, जो हमारे जोड़े हैं ना, जोड़ जो होते हैं, ज्वाइंट्स जो होते हैं वहां पे निकलता है। क्रियुमेन, सेरुमेन क्या होता है, सेरुमेन क्या है, एग, ये ईयर वैक्स, जो कान जब गंदा हो जाता है जो वैक्स निकलता है वो, इसी को सेरुमेन बोलते हैं। इन अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डैश फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। देखो बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे चेस्ट कैविटी खत्म, यहाँ पे आपके लंग्स वगैरह खत्म, और यहाँ से आपकी ये चेस्ट कैविटी और ये एब्डोमेन कैविटी जहाँ पे पेट वगैरह आता है, तो ये दोनों को क्या, इन दोनों कैविटी को सेपरेट करता है ये एक लेयर, इसको क्या बोलते हैं डायफ्रेगम, एक मसल होती है, मांसपेशी होती है जो इसको सेपरेट करती है। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव पोर्शन क्या है, इनडाइजेस्टिव पोर्शन पोर्शन है, मतलब वो भाग है जो हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, रफेज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ, जो जटिल खाद्य पदार्थ है वो सरल में टूट जाता है, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जो HCl एसिड निकालता है, चमक निकालता है, तो आपको लर्न हो जाना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे, एक आपको ब्रीफिंग मिल गई होगी। इसी के साथ हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज विजिट द साइट एंड अटेम्प्ट द पेड एंड नॉन पेड टेस्ट, दैट मीन्स फ्री एंड पेड टेस्ट, ताकि आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सको। इसी के साथ हमारी आदि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे अलग अलग बैचेस में एनरोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।